हमारे स्टूडेंट्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल, आपका अपना सरोगी भाई का चैनल है, इसको थोड़ा सहयोग करें और कोई पैसा नहीं लगता मेरे भाई, सेवा करिए, हेल्प चाहिए, हे भोलेनाथ, सेवा करिए, सोइए मत। देखिए तो आधा नंबर है। सुनिए बच्चों, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो उस या ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है तो डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी की एक चौथाई भाग बाहर निकल जाता है, तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां याद करो। थोड़ा मैथ्स लंबा है ना, बता रहे दो नाम दिख गया। ए विजल्स इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, पहला कोन आ रहा है, शंकु आ रहा है, बहुत बढ़िया बताया आपने सकीना जी। इट हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस टॉप्स विच ओपन इज 5 सेंटीमीटर। इट इज द फील्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिंज, वेन लीड शॉर्ट इच ऑफ द बीच इज द इज स्फीयर रेडियस, यानी कि दो गोला है, गोला और स्फीयर है, और 0.5 सेंटीमीटर ड्रॉप इनटू द विजल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो और द थंबर एंड द लीड शॉर्ट इज दिस ड्रॉप इन विजल। मतलब बोल रहा है कि इसमें एक तो स्फीयर है, कैसा है शंकु, फिर कैसा होता है कौन का, यानी कि पहले उसमें पहले क्या है, पहले देखो बेटा, पहले उसमें स्फीयर है, ठीक हो रहा है वो, डन है, आपने इसको बनाया राइट, और ए आपका हो गया रेडियस। समझ गए, डन है। अब इसकी जो रेडियस है कितना है, पढ़े उसको, यानी 1/4 है, 1/4 बता रहा है, एक चौथाई, पहले तो यहाँ लिखेंगे, ध्यान दीजिए क्लास, एक मिनट, क्लास टेंथ ध्यान दीजिए बच्चों, और 30.2 का क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा दोनों क्या क्या चीज देख रहे हैं दोनों, हाँ ठीक है, एक तो शंकु दिख रहा है, थैंक यू सो मच, और दूसरा क्या दिख रहा है, क्या बोला, देखो बेटा शंकु और गोला, यानी कोन स्फीयर राइट। चलिए इसका आर बताइए, आर को रेडियस त्रिज्या, और एच बताइए ऊंचाई यानी हाइट, बोलिए बोलिए ना बताइए कितना है। बहुत बढ़िया, सही बताया, चलिए 5, बहुत थैंक यू बोला, तो भोला जी ने बताया कि आज इसका इतना किताब पढ़ी है ना। चलिए अब इसमें जो है, जो इसमें जो लिखा है, अब इसमें जो इसका जो सर ध्यान दीजिए, इसमें जो गोला का जो त्रिज्या है रेडियस वो है आर को रेडियस त्रिज्या 0.5, बहुत बढ़िया डन है। चलिए अब आगे एक और लिखा हुआ है, ये जो बना है ना शंकु, इसमें पानी भर दिया है 1/4, वो एक चौथाई, कितना एक चौथाई, तो अब बताइए इसका आयतन गोल क्या होता है, आयतन गोल 1/4 क्यों लगा है पता है ना, जो पानी का चौथाई दिया हुआ है, डन है, कौन लिखा होता भाई π/2, डन है बराबर राइट। नंबर में स्टेयर मांगा नंबर, तो नंबर आप अपनी मर्जी से गुना कर दो, आप डोंट वरी, 4/3 इंटू पाई आर तक, डन है ठीक है बच्चे, एन हम अपनी मर्जी से लिया, एन को नंबर, क्योंकि संख्या बोल रहा है, देखो आप
यहाँ प्लस नहीं करना है, जहाँ भी बोलेगा कितना वहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब वन बाई फोर क्यों आया, क्योंकि चौथाई लिखा हुआ है। ठीक है, वहाँ लिख दिया मैंने, जो जो कोण है ना, जो शंकु है गोला का कितना वन बाई फोर्थ है। चलिए पाई से पाई कर लिया, राइट, डन है। अब देखो थ्री से थ्री कर लिया, ठीक, आर को मत काट देना क्योंकि यहाँ अलग अलग है, आर काट दे, बट यहाँ पाँच है वहाँ कितना है नहीं काटना। अब क्या बच गया आर, देखो जी पाँच इंटू पाँच ऐसे कितना बेटा आठ अपॉन फोर इसका टू एन मल्टीप्लाई फोर, आर कितना जीरो पॉइंट फाइव, तो पाँच इंटू पाँच इंटू पाँच अपॉन हो गया दस, दस इंटू दस इंटू दस, पचास दस कैसे आया वन ट्वेल्थ में एक हो गया, जितना उतना जीरो, याद रख रही है। सुनिए जहाँ पे नंबर बोलेगा, नंबर हाउ मेनी वहाँ डिवाइड करते, क्या बोला मैंने, जहाँ बोलेगा कितना संख्या वहाँ पे डिवाइड करो या फिर बराबर करो, बात ही पड़ेगा। अच्छा अब कैसे करेगा पता है, देखिए चार एक चार चार नहीं, देखो पाँच से पाँच कर दिया बराबर में ऊपर से ऊपर और नीचे से क्या देखा? क्या बच गया दो, क्या बच गया बच्चे एन, और ये क्या है इंटू फाइव, अपन कितना हो गया दस, तो पाँच एक पाँच पाँच दूनी दस, पाँच मिनट लिखो और दो दूनी चार, राइट, ये भी कट गया, वाह कमाल है यार, क्या बच गया एन बटे पाँच, तो पाँच दूनी वाह दस है उतारो, है ना आसान हो गया। मैथ कैसा था देखने में बहुत लंबा था नहीं, तीन नाम की कहानी थी, अगर क्वेश्चन सही है नीचे दस आएगा, पाँच पचास 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 सौ आ जाएगा, एक जीरो पचास आएगा, पचास पचास सौ आ गया। ठीक है, कैसे लग रहा है, अगर देखिए किसी को अगर कोई डाउट है ना तो लाइन बाय लाइन कमेंट करेगा वो बच्चा, ठीक है, नहीं नहीं क्यों आया एन माय फ्रेंड्स, देखिए फिर दोबारा अगला क्वेश्चन की ओर। ऊंचाई 220, ऊंचाई 220 वाले, देखिए वाले आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, अच्छा 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 अच्छा, जिस पर ऊंचाई के 60 मीटर, और देखिए बच्चों क्वेश्चन मतलब समझिए, पहला चीज समझिए क्या कह रहा है, अ सॉलिड ऑफ आयरन पोल कंस्टिट्यूट्स ऑफ ए सिलेंडर एंड हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24, क्या समझे, उसकी जो फिगर होता है सुनिए, पहला यहां हो रहा है सिलेंडर का, इसका बोल रहा है कितना है सेंटीमीटर, जान गए डॉट नहीं है, ये बोल रहा है कि इसका इतना दिया हो, राइट, अब उसकी जो डायमीटर है कितना है 24, तो उसका कितना होगा, यस राइट, ठीक, एक अंदर दे दिया, अच्छा आगे बढ़ते, विच द सराउंडिंग अनदर सिलेंडर, अच्छा ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, सुनिए लोहे का एक स्तंभ बना है, इस स्तंभ पर 60
यानी बेलन का आरोपित है, तो उस पर एक लोहे का 8 सेंटीमीटर का दिया गया है, तो दूसरी बेलन 7 सेंटीमीटर और उसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। यानी क्या बोल रहा है, उसकी जो त्रिज्या है ना, अब देखिए यहाँ से एक और है राइट, ऊपर बोल रहा है, ऐसा जो हाइट है ना उसको कितना है 80, कितना 60, कितना 60 सॉरी राइट, और उसका हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर डन है, किलो हो गया ना, कुछ समझे, इसका डिजाइन बना दो, कुछ समझ में आया, क्या समझे, एक बिलन है, हाँ दूसरा और आगे, हाँ फिर आगे कुछ नहीं यार। अब दोनों को बोला निकालने के लिए, तो आप बताओ इसमें द्रव्यमान है किलोग्राम, यहाँ क्या लगेगा, समझ गया, जहाँ किलोग्राम हो, जहाँ पानी हो, जहाँ लीटर हो, वहाँ क्या लगेगा, सही ना है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, चलिए बेलन सिलेंडर, फर्स्ट बेलन राइट प्लस सेकंड बेलन राइट, चलिए आर और रेडियस त्रिज्या 24 है, डिवाइड करना पड़ेगा ना, क्योंकि व्यास जब डायमीटर होता है तो रेडियस का डबल होता है, हाफ कर सकते हो, डन है, स्टार्ट कितना भाई हाइट राइट, चलिए इसका आर्क और रेडियस त्रिज्या कितना होता है, आर्क फेमस कर देता है, आर्क ही करेक्ट है, चलिए इसका हाइट एंड ऊंचाई, हाइट एंड ऊंचाई 60, आयतन पाई स्क्वायर एच प्लस पाई स्क्वायर एच राइट, क्लियर है, करेक्ट है, पाई कॉमन है, आर कितना भाई 12 का स्क्वायर, एच कितना है 220, चलो पाई को बाहर चला गया, आर कितना इसका है, चलो अब बता, चलो भाई जल्दी जल्दी गुना करो इसको, 22 गुना 144, चार दुनी आठ, चार दुनी आठ दो, राइट चलो पाई 3168 प्लस हो गया, इसे गुणा करो 8 से 64 3840 प्लस करो 0 8 4 12 और 8 6 14 15 और 3 4 5 और 3 5 राइट 3 5 5 चलिए बोला उतर गया, आगे देखिए बच्चों क्योंकि अब इसके आगे हम करेंगे तो यहाँ तो सब बच्चे उतार ही नहीं होंगे, तो सके ना उतार लिया, चलिए 22/7 इंटू 355 20 into 8, देखिए उसमें लिखा है 8 लिखा हुआ है, हाँ 8 ग्राम, तो सकीना जी मुझे बताएंगे आप जो 8 ग्राम जो लिखा हुआ है, तो 8 ग्राम 1 किलोग्राम कितने ग्राम हो गए, 1000 ग्राम, बहुत बढ़िया बताया आपने, सॉलिड हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अब पाई की वैल्यू पता कितना दिया है, 3.14 दिया हुआ है, पाई की वैल्यू दिया हुआ है 3.14 दिया हुआ है, 8 बटे कितना मजा हो जाएगा 1000, अब ध्यान से पढ़ते हो, थैंक यू, अब कितना होगा सकीना जी 340 into 355
20 इंटू 8 अपॉन 100 8 3 0। तो थोड़ा मल्टीप्लाई करो, सोचो जल्दी टाइम लगे बेटे, फास्ट फास्ट। आप लोग कॉपी कलम बहुत बढ़िया करते हो काम, बहुत बढ़िया। कॉपी कलम का इस्तेमाल किया करो, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। सुनिए गुरु, अगर बच्चों से कहें कहीं मल्टीप्लाई में गुना गलती हो गया होगा तो कोई बात नहीं, बच्चे करते हैं बैठ के ऑफलाइन में, तो बच्चों से थोड़ा गलती हो जाता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो बच्चे जितना चलता है राइट। चलिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0 6 5 6 0। नोट करें बेटा, ध्यान दीजिए बच्चों, अब हम बेटा चलेंगे 7 7 क्वेश्चन, ठीक है बेटा। देखिए देखो बेटा, मैं पहले हिंदी पढ़ूंगा फिर इंग्लिश, फिर मैं उसके जो बीच में होगा वो मैं करके बेटा बनाऊंगा डायरेक्ट। देखिए, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु है, मतलब शंकु का नाम आ रहा है, हिंदी वाले सुनिए पहले। जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला, देखो दो नाम आ गया, एक अर्धगोला एक शंकु आ गया, आरोपित है इस ठोस को पानी में भरे हुए, पानी में तो कहाँ लगता है, पानी में आयतन लगेगा। मैं आपको बेटा एक समझा रहा हूँ, भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन, एक और आ गया बेलन आ गया, तीन नाम आ गया बेटा, शंकु अर्धगोला बेलन, ध्यान दो ना बेटा, और इसमें लगेगा आयतन तो पानी है, इस प्रकार सीधा सीधा डाल दी जाती, सीधा उस पर डाल दी जाती है। जो बेलन की स्पर्श करे, यदि बेलन की 60 सेंटीमीटर ऊंचाई 180 सेंटीमीटर बेलन की शेष पानी का आयतन करो, पानी यानी आयतन यानी बेलन में से दोनों को जोड़ के माइनस कर देना होगा, समझे। बेलन को अलग रखना है और बाकी दोनों को जोड़ के माइनस कर देना है, समझ में आ गया पक्का। चलिए, ए सॉलिड कॉन्स्टिट्यूट ऑफ राइट सर्कुलर कोन, कोन है बेटा कोन, एक कोन दिख रहा है ऑफ हाइट, कोन का हाइट कितनी है 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर एंड स्टैंडिंग ऑन हेमोस्फीयर, लो एक और आ गया हेमोस्फीयर, दो बड़ा गया कोन और हेमोस्फीयर, रेडियस 60 एंड प्रेस द सर्कुलर सिलेंडर, एक और सिलेंडर आ गया, फुल ऑफ द वाटर, जहाँ वाटर होगा वहाँ वॉल्यूम लगाना, जहाँ वाटर होगी मेन ट्रिक समझो, जहाँ वाटर वहाँ वॉल्यूम, सच द बॉटम द वॉल्यूम एंड द सिलेंडर एंड रेडियस कितना 60 सेंटीमीटर एंड हाइट 180। अब देखिए इसमें क्या किया जा रहा है भाई, पहली बात किसका आया बेलन का, है ना बेलन का है, तो पहले बेटा एक बेलन बनाई आराम से, रिलैक्स होकर बनाई बेलन राइट। अब क्या हो रहा है, शंकु बोल रहा है कौन उसी के अंदर में, समझ गए उसे, समझ में आ रहा है क्या समझे। उसमें एक तो बेलन सिलेंडर है, अब दूसरा क्या देखिए बेलन, और अब इसमें एक और है हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर कहाँ जाएगा, हाँ ये तो हाथ चला गया राइट। तीजिए अब तीजिए हम दर्शाते हैं, चलिए बेलन राइट, शंकु आगे चलिए, और क्या है अर्धगोला। देखो बच्चे, जो जो इसमें मिले उसे आप कोलम बनाओ, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे बनाओ तो बढ़िया रहेगा, कोन और हेमिस्फीयर राइट। अब मुझे बताइए, जो इसमें जो मैंने क्या बताया बेलन, इसमें बेलन नहीं हुआ और इसके अंदर में दो चीज मिल रहा है, एक शंकु है कोन, एक आपका अर्धगोला, ये बना है बेला, ये बना राइट। तो अब बताइए, तो यानी कि दोनों एन तीनों का आर सेम होगा भाई, जो आर है वो सेम होगा ना, मेरा सभी होगा। चलिए अब बना बताइए, इसका आर कितना होगा, देर मत करिए, आर और एच बोलिए 60। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कितने मीटर में सेंटीमीटर में, और एच बहुत बढ़िया
देखो जो भी ऑडियंस हो, जो भी ऑनलाइन में हो, तो कहने मतलब है कि उसको आप पैटर्न सीख लो, कहानी को मत पढ़ो। वो मैं वही सिर्फ पढ़ रहा हूँ आपको सुनने के लिए। चलिए शंभु कितना है, कौन आर, अरे कितना है एज आर 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 साठ, इसका कितना, इसका साठ भाई, इसका तो वही होगा ना भाई, इसका इतना समझना चाहिए यार कि इसी से तीनों बना हुआ है, सिलेंडर भी इसी में है, कौन भी इसी में है, मतलब कि बेलन शंकु अर्धगोला कौन एमस्फीयर और सिलेंडर तीनों इसी में, तो तीनों को भाई यही ना हुआ, या तीनों से मिला आया तो क्या है ना। अच्छा अब यानी कि अब इसको इन दोनों को जोड़ना है और जो आंसर आएगा समाज करना है। ओके क्यों, क्योंकि वही तो बोल रहा है पानी निकाला गया, समझ गया। चलिए यहाँ लगाइए माइनस, लगाइए पाई आर स्क्वायर एच वन बाई थ्री प्लस, इसका कितना होगा टू अपॉन थ्री डर है ना। चलिए अब बताइए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, पाई आर तो क्या का सेम है तो कॉमन ले सकते हैं। चलिए ये इसको सॉल्व करिए, पाई सटे थोड़ा लंबा सॉल्व होगा, इसको पाई का मान, पाई का मान मान अभी मत दीजिए, आर कितना है साठ, राइट कॉमन हम लोग कॉमन लेते हैं वन बाई थ्री। देखो 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 आसान तरीका गुणा करने का, देखो वन बाई थ्री लेते कॉमन, वन बाई थ्री और पाई आर स्क्वायर लेते हैं, आपको आसान पड़ेगा। देखो आर कॉमन क्यों लिया, क्योंकि आर सेम है, यहाँ का बच जाएगा एज, एज प्लस टू आर, सही है ना। डाउट किसी को, भाई वन बाई थ्री बाहर ले लिया, पाई ले लिया, आर एज एज ही बचेगा। चलिए कितना देखो ना करिए इसको दे देते फटाफट, छत्तीस सौ छत्तीस और अठारह आठ चौबीस और सिक्स फोर एट, कितना कितना सिक्स फोर एट, सिक्स फोर एट ट्रिपल जीरो पाई का हो गया राइट माइनस। आप देखो वन बाई थ्री पाई को पाई छोड़ दो, आठ कितना बेटा साठ, साठ गुना साठ एट कितना बेटा एक सौ बीस, दो गुना आठ कितना है साठ, देखो बच्चे देखो बच्चे ये तीस कट गया बीस राइट, कितना आ गया बारह सौ पाई इंटू छ सिक्स फोर एट ट्रिपल जीरो पाई माइनस बारह सौ पाई राइट, कितना हो जाएगा एक सौ बीस, एक सौ बीस दो सौ चालीस राइट हो गया ना, दो सौ चालीस। अच्छा दो सौ चालीस गुना कितना होगा चौबीस गुना बारह गुना कर दो, बहुत जल्दी बढ़ मैं कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया कितना बहुत बढ़िया टू एट एट ट्रिपल जीरो बहुत बढ़िया। वो तो ऐसा मैंने आज तक किसी को नहीं देखा गुना करते हुए, इतिहास में नाम होना चाहिए। अच्छा इसको मान सकते हैं पाई जीरो 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 राइट, आठ बार से किया जीरो, चौदह में से आठ गया छः, पाँच में दो गया तीन राइट, तो इतना ही आंसर करके छोड़ दो, पाई को मान कर निकालो राइट, पाई को मान जा रहा जब कटे इतना करके छोड़ दो नहीं कटेगा, जल्दी नोट करिए। तो बच्चे अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए,
अब शेयर जरूर कर दीजिए, अपने फ्रेंडों को बता दीजिए जो पढ़ना चाहती है, जो पढ़ना चाहता है, ताकि जो हमारे चैनल को बिल्कुल बना दीजिए आप जो जो चाहते हो बना दीजिए। हाँ देखिए, एक गोलाकार लो पहले ही गोला बोला आगे, कांच के बर्तन कि एक बेलन के आकार की गर्दन है बेलन, दो नाम पर नहीं आ गया, बेलन भी आ गया और गोला भी आ गया, जिसकी लंबाई आठ सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है, इसमें भरे जा सकने वाले पानी मिल रहा है, यानी क्या लगेगा भाई, पानी मिला तो क्या मिलेगा, आयतन, तो देखो इसमें आयतन कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहाँ आयतन लिखा हुआ है, बर्तन का आकार का है, कहाँ आयतन है, 345। अच्छा नहीं नहीं उलाना है वो आंसर, मुझे ला के दिखाना है सही है गलत है, वो ला कर दिखाना है वो आंसर नहीं है, वो आंसर ला कर मुझे दिखाना है इसलिए लिख दिया हो, तो बेलन का आयतन 345 है, आयतन लाना नहीं, वो लाना है मुझे, जिसकी जांच देखो लिखा, जांच कीजिए, लिखा हुआ है देखो, जांच लिखा हुआ है, ए स्फेरिकल ग्लास विजल द हाई सिलेंडर नेक द 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर डायमीटर, द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर बाई मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड, ए चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब, चेक वेदर सी इज करेक्ट टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट्स एंड पाई इक्वल टू 3.14। भाई गर्दन, गर्दन कैसे होता है ऐसा, देखो वो बोला कारण में ये बोल रहा है वो गर्दन, गर्दन देखो ये नींबू का बर्तन दिख रहा है ना, नींबू का है ना, अच्छा राइट, यही बोल रहा है नींबू, नींबू बन गया, नींबू में मटका डाला तो पानी हो गया। अब जो बोल रहा है गर्दन कितना सेंटीमीटर बोल रहा है, पढ़ियो ये गर्दन कितना है, आठ क्या मीटर, 1 सेंटीमीटर देख रहा भाई, ओके थैंक यू, चलो आर कितना है, रेडियस कितना है, कितना, दो, बहुत बढ़िया, चलो और उसका कितना है, कितना है उसका, 8.5 सेंटीमीटर, वो डायमीटर है ना, अच्छा सही है, डायमीटर है, लिख दो डी, डी फोर डायमीटर व्यास राइट, तो दोनों क्या चीज दिख रहा था बेटा, एक तो गोला और एक राइट एन स्फीयर, इसमें आर और एच, आर कितना भाई, 8.5 को डिवाइड करो, आर को रेडियस त्रिज्या निकालना है, तो ये हमारा व्यास दिया हुआ है, व्यास है इसमें डिवाइड करो कितना आएगा भाई, डिवाइड करो इसको, 2 4 8 और 2 4 8 2 2 4 और 2 5 10 इतना आ गया, आ इतना है, अच्छा इसका कितना भाई, 2 सेंटीमीटर, अब उसको कितना भाई, हार्ड राइट, चलिए आयतन क्यों लगेगा, क्योंकि पानी है, आयतन प्लस आयतन, समझ ना, बस कहानी को समझो तो कॉलम से बनाओ बस, वॉल्यूम प्लस प्लस क्या हो जाएगा इसका, 4/3 प्लस इसका क्या होगा, एच राइट, अच्छा कॉमन क्या भाई, कॉमन क्या है, 5, बहुत बढ़िया,
देखिए पाई 4/3 r³ प्लस r²h, राइट? ठीक है बेटा, चलिए पाई को पाई लिखिए, 4/3 r कितना बेटा, प्लस r कितना बेटा 2 और r, ध्यान दीजिए पाई का मान लिखिए, पाई का मान 3.4/3 इंटू 425 इंटू 425 425 अपॉन इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, तो गुना गुना थोड़ा लगेगा, जल्दी जल्दी करना, मल्टीप्लाई तो बहुत तगड़ी है ना, हो जाएगा 816 है ना। ये जाना बत्तीस, चलिए बेटा कुछ कट से नहीं बेटा काट देते, ये कट रहा है बस, चलो चलो डायरेक्ट गुणा कर दो यार, इन चारों गुणा जल्दी करो, तो नहीं नहीं आप ऊपर से पहले गुणा करो, रुको रुकोगे दो मिनट, रुको दो मिनट, दो मिनट रुको, 340/100 इंटू 4 × 425 × 425 × 425 हमने आप बैठक खोल दिया, सौ में गुणा करो, 3 × 100 × 100 प्लस 3 × 14/100 इंटू 32, राइट? चलिए इसको पहले मल्टीप्लाई करो, अब ब्रैकेट बंद हो गया, पूरा खोल दिया, थोड़ा लंबा जाएगा बेटा मल्टीप्लाई, 96 इन सब का, इसका 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 तीनों किया, वाह बहुत बढ़िया, चल कितना कितना बनता है, 96 इतना लंबा भाई कोई भी दुआ नहीं कर सकता है, कितना होगा इसका, 3 × 1 × 2 × 4 × 6 × 8 इतना बड़ा गुना आप इतना नहीं कर सकते, हर कोई नहीं कर सकता, चलिए प्लस इसे गुना करो, 10,048 × 100 आप करेंगे इस कैल्शियम, कैल्शियम ही नहीं होगा, मैं इसलिए बेटा गुना कर बता रहा हूँ कि आप लोगों को गुना गुना करने में बहुत आनंद आएगा, इसको सही लिखिए, 9641762500 प्लस इसको डिवाइड करोगे ये तो कट जाएगा, इसको गुना करो, 10 × 48 इंटू इंटू कितना दिन बच गया, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हो गया, अब जाकर चलो, हाँ चलो अब इसको गुना करो, तीस करो, कैसे लग रहा है बोला, बहुत लंबा है ना, बहुत लंबा, चलिए दो फटाफट सही से करना भाई, प्लीज चलो बताओ, 3 × 0 1 4 1 4 4 0 0 0 0 0 अपॉन ये क्या हो गया, 3
चार पाँच छः सात आठ हो गया डन है गए यहाँ तक ये सब ठीक है ना। चलो इन दोनों प्लस करो इन दोनों प्लस करो भाई इतना प्लस करना हर किसी का काम नहीं भाई ये सब प्लस आज बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग है और रुक जाओ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ दो जो कर गया बचा गया तीन नौ सात आठ पाँच सात छः दो पाँच वहाँ कितना है तीन तीन जीरो एक दो तीन चार पाँच छः छः है ना सही है। चलो अब इसको से डिवाइड करो देखा जाए तो एक पॉइंट हमारा आ चुका है ना। अब हाँ पॉइंट टू थ्री को वैलिड नहीं मानी जाती ठीक है। तो हमें तो यानी कि जब आ गए तो आप हम क्या यानी कि इसमें दो फिगर था तो दो का हम इस्तेमाल करेंगे तो आपको पॉइंट में आ जाएगा 3.46 सेंटीमीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे ओके। देखिए ये आपका पॉइंट में आ गया पहले भी पॉइंट में आया था फिर मैंने उसको डबल से मल्टीप्लाई किया और ये जब डिवाइड करते करते आपका ये आंसर आपका आया क्योंकि मुझे लाना था ये आंसर था नहीं लाना था मुझे तो इसमें थोड़ा मन में ज़्यादा हो गया है और थोड़ी मेहनत करिए फिर हम मिलते हैं आगे। जब तक के लिए नमस्कार।